हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सफ़र में। और बाली ट्रिप के बाद एक बार फिर से हम लोग हैं सिंगापुर में और आज सैटरडे का दिन है तो सोचा क्यों नहीं कि घूमा जाए। तो आज हम लोग आपको लेकर चलेंगे कलांग वेव मॉल। और कलांग वेव मॉल एक्चुअली एक स्पोर्ट्स हब है, वहाँ पे नेशनल स्टेडियम और बहुत सारे तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। तो आज स्पेशल क्या हम वहाँ देखने और करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं कलांग वेव मॉल और अभी ऊपर जाएंगे। कितने पे है एक्वेटिक सेंटर? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक स्पोर्ट्स हब है, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। और मेरे पीछे बास्केटबॉल कोर्ट भी है और ये आप देख सकते हैं जॉगिंग ट्रैक है, यहाँ पे लोग जॉगिंग करते हैं और स्केटिंग वगैरह करते हैं। हम आ गए हैं स्प्लैश एंड सर्फ और ये किड्स वाटर पूल है या आप कह सकते हैं वाटर पार्क है। तो अभी अंदर जाएंगे और देखेंगे कि बच्चों के खेलने और मस्ती करने के लिए यहाँ पे क्या क्या है। कलांग मॉल की मुझे एक सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ का पीछे का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार है। आप अगर इवनिंग टाइम में आते हैं तो काफ़ी कुछ यहाँ से आराम से बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और हाँ, अभी हम लोग आ गए हैं जैसे कि मैंने बताया स्प्लैश एंड सर्फ, तो ये पुल है, वाटर पुल है बच्चों के खेलने के लिए। और इसकी भी सबसे अच्छी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से आ सकते हैं। एंट्री मॉर्निंग के 9 AM से स्टार्ट होती है और इवनिंग में आई थिंक 7 PM तक रहता है और कोई चार्जेस नहीं है, तो आप जितना देर चाहे यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि आप अपने बच्चों को स्विमिंग ड्रेस एंड स्विमिंग डाइवर पहनाकर जरूर ले जाएं, नहीं तो ये वहाँ जाके आपको परचेज भी करनी पड़ सकती है। वैसे मैं तो गई थी यहाँ अपनी बच्ची के साथ थोड़ी देर रिलैक्स और इन्जॉय करने के लिए, लेकिन ये तो फुल पैकेज था हम दोनों के लिए। नॉट इवन वाटर पार्क, ये जो कलांग स्टेडियम है यहाँ हर टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो होती ही रहती हैं, तो मेरे हिसाब से नो वन इज़ गोइंग टू मिस एनीथिंग। फाइनली हम लोग वापस आ गए हैं वाटर पार्क से और जो कि वेव मॉल में है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो वाटर पार्क है वो बच्चों के लिए है, तो बच्चों ने वहाँ पे बहुत ही इंजॉय किया और मौसम भी अच्छा था, धूप भी अच्छी थी, तो पानी में सबको बहुत ही मजा आ रहा था। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है सिंगापुर में कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप भी वहाँ पे जा सकते हैं अगर आपके बच्चे छोटे हैं, लाइक 1 year 2 4 5 years के बच्चे वहाँ पे काफी इंजॉय कर रहे थे। आपके भी बच्चों को अच्छा लगेगा, उन्हें जरूर लेके जाइए। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और जिनके बच्चे हैं उनके साथ तो जरूर 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 शेयर करें ताकि वो भी अपने बच्चों को वहाँ पे ले जा सके और ढेर सारी मस्ती कर सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।